आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत में तेजी से सुधार देखने को मिल रहा है। जी हां, अब वो दिल्ली की एम्स अस्पताल में धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं उनके ठीक होने के लिए कई परिजनों ने तो कई लोगों ने दुआएं भी की, साथ ही उनके हेल्थ को लेकर बार बार जानकारियां भी ली। लेकिन दुआएं करने में सबसे आगे इस समय बिहार के लाला यानी तेज प्रताप रहे हैं। जी हाँ, तेज प्रताप इन दिनों पिता की तबीयत ठीक करने के लिए पूजा पाठ और प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही लालू यादव के लिए उन्होंने वृंदावन में भी हाजिरी लगाई। इस बीच गुरुवार की सुबह उन्होंने ट्वीट कर गुरु मंत्र दिया और अत्याचारी और पीड़ितों की बात कही है। बता दें कि उन्होंने आज सुबह सुबह ट्वीट कर लिखा और कहा कि शक्ति का गलत इस्तेमाल अत्याचारी और पीड़ित दोनों को परिजत कर देता है। वहीं इन्होंने एक ट्वीट कर एक लाइन में तस्वीर के साथ लिखा, साथ ही उसका इशारा कहीं और भी साध रहा था। बता दें कि तेज प्रताप का इशारा किस तरफ है इसके बारे में उन्होंने अभी कुछ फिलहाल कहा नहीं है, बस उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने बुधवार को वृंदावन के शिव मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया। पूरे विधि विधान के साथ ब्राह्मणों ने मिलकर विशेष पूजा भी करवाई। इसके पहले ही तेज प्रताप ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि उन्होंने मथुरा में यूपी पुलिस द्वारा रोका गया था, इस कारण वह पूजा नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से मथुरा में तेज प्रताप को प्रतिबंधित एरिया में गाड़ी ले जाने से रोका गया था। बाद में मथुरा की पुलिस ने इस पर सफाई दी, कहा कि तेज को थाने में बैठाया नहीं गया था, बल्कि वो खुद गाड़ी के साथ जाने के लिए अनुमति लेने आए थे। सब सम्मान से उनकी बातचीत की गई और फिर उनको सही सलामत वापस भेज दिया गया था। बाकी आपको क्या लगता है, क्या तेज प्रताप सियासी दाव खेल रहे हैं लालू को लेकर?